और इस कारण मैंने आपको याद दिलाया है आप पवित्र बाइबल के जो मूलभूत उपदेश है जिसको फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स भी कहा जाता है, जिस जो कि बाइबल के उपदेशों का सार है, बाइबल के उपदेशों की जो मुख्य बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रभु ने मदद की तो एक बहुत ही क्रमीकृत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बाइबल के जो आधारभूत मूलभूत उपदेश हैं उनका अध्ययन हम इस सीरीज में करेंगे। ये एक सीरीज है जहाँ हर क्लास अगले क्लास से जुड़ा हुआ है, और जैसा मैंने अनुरोध किया सभी लोग जहाँ तक हो सके क्लास में जो बातें पढ़ाई जाती हैं उसको नोट कर लें, क्योंकि सुनते समय बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाने की संभावना बहुत अधिक है। पिछले दोनों क्लासेस में मैंने मुख्य तौर पर दो बातें याद दिलाई थी। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि आज से हजारों साल पहले, जैसा बाइबल के की पहली पुस्तक के पहले अध्याय पहले श्लोक में या पहले पद में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रभु ने या परमेश्वर ने दुनिया को एक एक करके रोशनी दी, पौधे दिए, पक्षियाँ दी, जल जंतु दिए, स्थल पर जो जंतु हैं वो दिए, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने एक बहुत ही विशाल बगिया बनाकर उसमें दुनिया भर के सारे अच्छे फल रखे। लेकिन हमने ये भी देखा कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का लंघन किया। उस बगिया में हजारों फल थे, कुल एक फल खाने को वर्जित किया था और मनुष्य ने उसी को जाके खाया। कम से कम उसने इतना नहीं सोचा कि उसके बगल में जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, जिसका फल खा लो तो आप शाश्वत जीवन पा सकेंगे। ये भी सोच नहीं पाया। जब शैतान ने आके मनुष्य को बहला दिया तो वो बस उसी के पीछे चलता चला गया। दूसरे क्लास में हमने देखा था कि पाप की मजदूरी है मृत्यु। परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे, लेकिन आदम और हव्वा के बारे में हम देखते हैं कि जिस दिन उन्होंने खाया उससे नहीं मरे। इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है क्या? जी नहीं। मनुष्य की मृत्यु दो प्रकार की होती है। जिस तरह का मनुष्य का, जिस तरह से मनुष्य का जीवन दो प्रकार का होता है, एक ये शारीरिक जीवन और एक उससे ऊपर एक आत्मिक जीवन। मनुष्य ने जब प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुरंत उसी समय उसी क्षण उसके आत्मिक मृत्यु हो गई। इसीलिए उसके पहले तक मनुष्य को प्रभु ने जिस अवस्था में उस बगिया में रखा था, जिस अवस्था में वो रोग जाकर प्रभु का दर्शन पाता था, प्रभु से बातचीत करता था, उस अवस्था के बारे में उसको लज्जा आने लगी। क्यों? इसलिए कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके वो पापी बन गया था। पाप में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। तो जब प्रभु ने कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, तो उसी दिन उसी क्षण, दिन छोड़िए उसी क्षण आत्मिक रूप से उसकी मृत्यु होगी। इसके बारे में ही प्रभु के वचन में लिखा है पाप की सजा है मृत्यु। लेकिन प्रभु के वचन से हमने पिछले हफ्ते 3:23 में हम देखते हैं सब ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित है। रोमियो के 6:23 में हमने देखा था पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने हमको ये वरदान दिया है कि हम शाश्वत जीवन पाए। शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त ना होने वाला जीवन है। उसके आधार पर मैंने आपको ये बताया था कि मनुष्य ने पाप किया, पाप की सजा मनुष्य को भुगतनी पड़ी, सांप को भी या शैतान को भी प्रभु ने वहाँ पे शाप दिया, वहाँ पर मुक्तिदाता के बारे में बताया लेकिन मुक्ति के लिए रास्ता भी खोल दिया।
बारे में कुछ विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं। उसके लिए नए नियम में यूहन्ना रचित, मतलब यूहन्ना के द्वारा लिखा गया शुभ संदेश, उसके तीसरे अध्याय को खोल दीजिए आपके बाइबल्स में। नए नियम में यह पेज 132 है, नए नियम में पेज 132। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है और इस अध्याय में जो घटना घटी थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन 132 पन्ने को निकाल लीजिए, उसमें हम 133 की तरफ बढ़ें तो वहाँ 16वें पद में या 16वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सृष्टा परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो बल्कि शाश्वत अनंत जीवन पाए। मनुष्य ने पाप किया, लंदन में पड़ गया, प्रभु से दूर भागा, प्रभु ने आकर मनुष्य को ये वचन दिया कि मैं तुमको बचाऊंगा। शैतान से भी प्रभु ने कहा कि मनुष्य जिसको तुमने धोखा दिया है, स्त्री जिसको तुमने धोखा दिया है, स्त्री की संतान तुम्हारा सर कुचल देगा। उसके बाद यह आज से 6,000 साल पहले की बात है, उसके बाद लगभग 4,000 साल तक उस आने वाले मुक्तिदाता के बारे में प्रभु की ओर से तमाम भविष्यवाणियां हुई। ऐसा अनुमान है कि आने वाले मुक्तिदाता के बारे में 1,000 या उससे अधिक भविष्यवाणियां हुई थी प्रभु यीशु के लगभग समकालीन एक यहूदी पंडित विद्वान और लेखक जिनका नाम है फ्लेवियस जोसीफस, उन्होंने प्रभु के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी। जोसीफस ने यह बात अपनी पुस्तक में लिखी है कि आने वाले मुक्तिदाता के बारे में लगभग 1,000 भविष्यवाणियां हुई। तो जरा देखिए, 6,000 साल पहले मनुष्य ने पाप किया, पाप का फल तुरंत उसको मिल गया, आत्मिक रूप से वो प्रभु से अलग हो गया, जीवन के वृक्ष के फल को उसने हाथ नहीं लगाया, इसलिए उस पाप के फल के रूप में कुछ सालों के बाद शारीरिक रूप से भी वो इस संसार को छोड़कर चला गया। इसके बाद वो जो वहां उसने पाप किया था वहां से लेकर अगले लगभग 4,000 साल प्रभु ने बहुत सारे भविष्यवक्ता लोगों के बीच में भेजे जो बार बार लोगों को ये प्रोत्साहन देते थे कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। इनमें से बहुत सारी बातें इस सीरीज के आरंभ करने के महीनों पहले मैंने आपको बताई किस तरह से प्रभु ने एक एक करके भविष्यवक्ताओं को भेजा और फाइनली आज से 2,000 साल पहले जब मुक्तिदाता के इस संसार में आने का समय हो गया तब तक 1,000 के करीब भविष्यवाणियां दे दी गई थी कि मुक्तिदाता पधारेंगे, वे मनुष्य रूप में पधारेंगे, मनुष्यों के बीच निवास करेंगे, वे अद्भुत कार्य दिखाएंगे, लेकिन मनुष्य के पापों की सजा अपने ऊपर उठा लेने के लिए मुक्तिदाता सूली पर बलिदान हो जाएंगे। इस तरह आज से 1,000 भविष्यवाणियों के बाद आज से 2,000 साल पहले प्रभु यीशु संसार में पधारे। प्रभु के पधारने की घटना को भी इसके पहले मैंने काफी विस्तार से आपको बताई है, अब हम उन चीजों की तरफ नहीं उड़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सारी बातें आपके मन में हैं और इसलिए ये जो सीरीज हम ले रहे हैं इसमें इतिहास कम और उपदेश ज्यादा पर ध्यान देंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का लंघन किया, उल्लंघन किया, मनुष्य पापी बन गया, पाप की सजा है सदा सर्वदा के लिए मृत्यु, लेकिन प्रभु ने संसार से प्रेम किया,
प्रभु ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को संसार के लिए दे दिए। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु को एक लौता पुत्र कहा जाता है इसलिए नहीं कि किसी माँ बाप के द्वारा पैदा हुए थे संसार में देहधारी होकर आने के लिए, उन्होंने एक माँ से जरूर जन्म लिया था, लेकिन बाइबल में जब हम बार बार सुनते हैं एक लौता पुत्र परमेश्वर का पुत्र आदि, तो उसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु इस सारे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जरा बताएं? भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? जो आदमी, जैसे आज 130 करोड़ लोग भारत में हैं, इन 130 करोड़ लोगों में से एक पूरे 130 करोड़ लोग भारत के नागरिक हैं। हम 130 करोड़ लोगों में से जो आदमी सबसे पहले पैदा हुआ था उसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है क्या? जी नहीं, भारत के राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन। क्यों? पहला नागरिक वो एक टाइटल है, वो एक नाम है जो उस व्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से जब प्रभु यीशु के बारे में कहा जाता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर के पैरों के पुत्र हैं, तो जिस तरह से राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, उसी तरह से प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं या पैरों के पुत्र हैं। उसका मतलब है इस सारे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रभु यीशु, सबसे उन्नत स्थान पर है प्रभु यीशु। मनुष्य शरीर में जिन्होंने भी जन्म लिया है उसमें सबसे उन्नत स्थान पर है प्रभु यीशु। तो जब यहाँ कहा गया है परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, तो उसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को शरीर धारण करके इस संसार में आने दिया, जिससे कि प्रभु सूली पर मेरे आपके लिए अपना जीवन अर्पित कर सके, ताकि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो अब नाश ना हो। आज सारी दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में बाइबल के जिस स्टेज में था, बाइबल के जिस कथन का, या सारी दुनिया में किसी भी कथन का सबसे अधिक जो अनुवाद हुआ है वो इस पद का है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि ये यूहन्ना 3:16 प्रभु के वचन के सारांश को या सार को बताता है। क्या है प्रभु के वचन का सारांश? सारांश ये है, सबने पाप किया है, लेकिन प्रभु ने पापियों से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में दे दिया, जिससे कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। इस पद का एक बैकग्राउंड है, आज हम वो बैकग्राउंड भी हम देख लें तो ये थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। तीसरे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। इसमें ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जिनका आजकल प्रयोग नहीं होता, इसलिए हो सकता है पढ़ते समय एकदम से समझ में ना आए कि यहाँ क्या कहा गया है। यहूदियों के बीच में धर्म के जो महापंडित होते थे उनको फरीसी कहा जाता था। वो एक इब्रानी भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है, उसको वैसा का वैसा हिंदी बाइबल में ले लिया गया है। कहने का मतलब कि यहूदियों में यहूदी शास्त्रों का एक महापंडित था जिसका नाम निकुदेमुस था। वो यहूदी लोगों के बीच में सरदार था, यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि नामी गिरामी यहूदियों के बीच में बहुत ही जिसका नाम था इस तरह का आत्मिक अगुआ था। इस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुना तो इस व्यक्ति को लगा कि प्रभु की बात में कुछ तो बात है, और मुझे मैं जो कि पुराने नियम में इतना बड़ा शास्त्री हूँ, पंडित हूँ, और उसी से संबंधित बात प्रभु कह रहे हैं, और जब हजार के करीब भविष्यवाणियाँ आने वाले मुक्तिदाता के बारे में बताई गई हैं,
अगर थोड़ा सा समय बिताऊंगा तो मेरी जानकारी बढ़ेगी, मेरी आत्मिक जानकारी बढ़ेगी। चूंकि वो सरदार थे, मतलब चूंकि वो लोगों के अगुए थे, दिन भर वो व्यस्त रहते थे, रात को फुर्सत के समय प्रभु के पास आए। प्रभु से उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो कथन बोला उसको जरा देखिए। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रवि, मतलब हे महागुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से महागुरु होकर आए हैं, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो आप दिखाते हैं यदि परमेश्वर उसके साथ हो ना हो तो नहीं दिखा सकता। एक बात स्पष्ट है, यहूदी धर्म का ये महापंडित प्रभु यीशु के कर्मों को ध्यान से देख रहा था, और जब उसने प्रभु यीशु के कर्मों को देखा तो वो इस बात को समझ गया कि जब तक पिता परमेश्वर का हाथ उस व्यक्ति के साथ जब तक ना हो तब तक वो ये कार्य नहीं कर सकता। इसलिए उसकी उत्सुकता और बढ़ी कि जिस व्यक्ति के हाथों से पिता परमेश्वर डायरेक्टली कार्य करवा रहे हैं उस व्यक्ति के पास जाकर कुछ देर बैठो तो आत्मिक रीति से ज्ञान मिलेगा या पूर्ण ज्ञान मिलेगा। प्रभु इस बात को जानते थे, प्रभु जानते थे कि ये आदमी पुराने नियम का, मतलब बाइबल के पूर्वावर्त का महापंडित है। प्रभु इस बात को भी जानते थे कि ये ज्ञानी है। इतना ही नहीं, ये सच्चाई का खोजी है। प्रभु ने इसलिए सीधे सीधे इधर उधर की बातें करने के बदले प्रभु सीधे सीधे विषय पर आए, और तीसरे पद में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अपन इस तरह से हिंदी नहीं बोलते हैं, यूनानी इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में जब किसी को कहना होता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, पूर्ण सच है और इसके अलावा कोई सच नहीं है, तो दो बार बोलते थे। तो प्रभु के कहने का मतलब है, हे महापंडित, मैं आपको पूर्ण सत्य अभी बताने जा रहा हूं, और वो पूर्ण सत्य क्या है, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, मतलब उसका जन्म हो चुका है लेकिन उसके अलावा एक और जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये महापंडित एकदम से भौचक्का रह गया, और पहली बार ये स्टेटमेंट सुन रहा। उसने कहा कि हे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं, बूढ़ा मनुष्य अब दोबारा जाके जन्म लेगा, मेरे बूढ़ा छोड़िए जो शिशु पैदा हुआ है वो भी दोबारा अपने माँ के गर्भ में जाकर जन्म नहीं ले सकता। प्रभु ने आगे के जितने पद हैं इसमें इन चीजों का विस्तार दिया है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तब हम काफी बातें समझ लेते हैं। देखिए छठे पद में हम देखते हैं, छठे पद में प्रभु ने उसका थोड़ा सा विस्तार दिया है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ कितने जन्म की बात होगी, जो शरीर से जन्मा है, जो आत्मा से, दो जन्मों में। ये है प्रभु के कहने का मतलब, हम सब ने शरीर से जन्म लिया है। हम जितने लोग यहाँ आए हैं, अपने बीच में आज एक बालक है, कई नौजवान हैं, कई प्रौढ़ लोग हैं, मेरे समान कई बुजुर्ग लोग हैं, हम सब ने शरीर से जन्म लिया है, एक जन्म हो गया। प्रभु यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इससे क्या मतलब है, प्रभु के कहने का मतलब है कि हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि जिस तरह से हमने शरीर से जन्म लिया था अब हम आत्मा से भी जन्म लें। दोनों जन्मों में एक फर्क है, शरीर से जन्म लेना मेरे आपके हाथ में नहीं है। हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस माँ बाप से होगा, ये प्रभु ने डिसाइड किया। लेकिन उसके बाद हमको आत्मा से जो जन्म लेना है वो हमारे हाथ में है, हमको दे दिया गया है। और वो कैसे होता है ये इसका विस्तार प्रभु ने और दिया है। जब 16 से आगे हम देखते हैं तब हमको थोड़ा सा और विस्तार मिलता है।
अठारहवां पद देखिए जो विषय को रियली व्यक्त करता है। अठारहवें पद में हम देखते हैं जो उस पर विश्वास करता है, मतलब जो भी व्यक्ति ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मुक्तिदाता पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा। प्रभु ने यह बात बार बार बताई कि मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठाकर मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। लोगों को लगा कि उन्होंने प्रभु को सूली दी है, यह तो सिर्फ जरिया था। प्रभु एक्चुअली जब सूली पर अपनी इच्छा से चले गए तो सारी मानव जाति के पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठाकर मनुष्य के लिए बलिदान किया। और जब इस तरह से प्रभु ने बलिदान किया तो उसके बाद जो प्रभु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आप पूछेंगे कि सूली पर की मृत्यु का क्या महत्व है? सूली पर की मृत्यु के बारे में भी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा था कि पाप की सजा मृत्यु है। अदन की वाटिका में मनुष्य ने पाप किया, आर्थिक रूप से वो मर गया। उसकी सजा यह है कि आत्मिक रूप से मर जाने के कारण वो सदा सर्वदा अपने सृष्टा से दूर रहे। लेकिन प्रभु मनुष्य से दया दिखाते हैं, मनुष्य के प्रति दया दिखाते हैं, इसलिए प्रभु ने डिसाइड किया कि मनुष्य को ये सदा सर्वदा के लिए जो सजा दी जानी है पाप के लिए, ये सजा सूली पर प्रभु यीशु पर डाल दी जाए। इस तरह से सूली पर प्रभु को जब चढ़ाया गया तब प्रभु ने सूली पर आत्मिक मृत्यु सही और उसके बाद शारीरिक मृत्यु भी सही। इस तरह से आत्मिक और शारीरिक मृत्यु सूली पर मेरे आपके लिए सहने के द्वारा प्रभु ने मेरे आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु की सूली पर की मृत्यु के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया था, आपको याद है? और जब दो पहर से तीसरे पहर अंधेरा छा गया तब प्रभु यीशु ने बहुत जोर से पूछा है, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वो क्षण था जब सारे मानव जाति का पाप सूली पर प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया गया था। और इसीलिए उस तीन घंटे के बाद प्रभु ने आखिरी स्टेटमेंट बोलने से पहले, आखिरी स्टेटमेंट प्रभु का क्या था सूली पर? हे पिता, मैं आपके हाथों में अपने प्राण सौंपता हूं। लेकिन उसके ठीक पहले प्रभु ने एक और बात कही थी, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित का कार्य सूली पर पूरा हो गया। अदन की वाटिका में प्रभु की वाणी वाणी को सुनने के बदले शैतान की वाणी को सुनकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य ने जो पाप और पाप की सजा अपने ऊपर लाद ली थी, उस पाप से मनुष्य को बचाने का कार्य सूली पर पूरा हुआ जब परमेश्वर ने मनुष्य के पापों की सजा प्रभु यीशु पर डाल दी। प्रभु की शारीरिक मृत्यु से पहले ही हमारे मुक्ति का कार्य पूरा हो गया। क्यों? इसलिए कि पाप का फल है आत्मिक मृत्यु, शारीरिक उसके उसका फल है। उसी तरह से सूली पर प्रभु की आत्मिक मृत्यु से पहले, प्रभु की शारीरिक मृत्यु से पहले प्रभु ने अपनी आत्मिक मृत्यु के द्वारा मेरे और आपके पाप की सजा अपने ऊपर ले ली और पाप से हमको मुक्ति देने का कार्य पूरा किया। और प्रभु ने बोला पूरा हुआ। और उसके बाद जिस तरह से आत्मिक मृत्यु के कारण हम शारीरिक रूप से पाते हैं, उसी तरह से प्रभु ने सूली पर जो बलिदान दिया था उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु ने अपने शरीर को भी त्याग दिया। तीन दिन और तीन रात के बाद प्रभु नरजीवित हो गए, क्योंकि परमेश्वर को मृत्यु अपने पास में, अपने हाथों में, बंधन में नहीं रख सकते। लेकिन उसके द्वारा प्रभु ने इस बात को प्रदर्शित किया कि मैं और आप जिस क्षण
प्रभु ने सूली पर जो कार्य पूरा किया है उस पर विश्वास करते हैं, उस समय हमको आत्मिक रूप से एक नया जीवन मिलता है। और कल को जिस तरह से प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जीवित हो गए थे, ऐसा शरीर जो दीवारों के आर पार जा सकता था और जिसके ऊपर समय काल आदि का कोई प्रतिबंध नहीं था, इस तरह का एक शरीर हमको दिया जाएगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने पुनर्जीवन के द्वारा बताया। उसके बारे में 18वां पद लिखता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है, जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उसका भी विस्तार 19वें पद में दिया हुआ है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आए और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना जो कि उनके पास ले। यदि आप जरा सोचिए कि एक समूह को बुलाकर उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, आपको लगता है कि सब लोग उस गिफ्ट का एक समान उपयोग करेंगे? मनुष्य का इतिहास इस बात को बताता है कि जब भी कोई गिफ्ट लोगों को दिया जाता है तो ऐसे बहुत सारे निकलते हैं जो बिल्कुल उस गिफ्ट का मूल्य नहीं समझते। आप में से जिन्होंने नया नियम पढ़ा है, उनको प्रभु ने एक उपमा दी थी, वो उपमा याद हो। एक बार एक बहुत ही धनी आदमी ने एक बहुत बड़ी पार्टी की, बहुत लोगों को बुलाया, समय आया तो कोई नहीं आया। दासों को भेजा, एक बोला कि मैंने बैल खरीदे हैं और उनको जांचने जा रहा हूँ, एक बोला कि हमको उधर जाना है, एक बोला इधर जाना है। स्वामी बहुत नाराज हो गए, स्वामी ने कहा छोड़ो सबको, मेरा तिरस्कार किया है, एक काम करो सड़कों पर जाकर नंगे भूखे लाचार भिखारी लकड़े लूले जितने सड़क पर आगे मिल जाते हैं सबको पकड़ ला, जिससे कि राजा के भोज में शामिल हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंगे फटे लाल लोग राजा के भोज में कैसे भाग ले सकते हैं? लेकिन उस समय का जो कायदा था, उस कायदे के हिसाब से जब फटे मैले चिथड़े पहनकर कोई राजसी भोजन के लिए महल के पास पहुंचता था तो उस व्यक्ति को एकदम से नया वस्त्र दिया जाता था, जिससे कि उस वस्त्र को पहनकर वो राजा की उपस्थिति में योग्य तरीके से जा सके। इस तरह से जितने अतिथि आए उन सबको उस समय के कायदे के हिसाब से नए वस्त्र दिए गए और सारे लोग नए वस्त्रों को पहनकर राजमहल में प्रवेश कर गए। राजा किसको प्रदर्शित करता है? परमेश्वर को। राजमहल किस बात को प्रदर्शित करता है? प्रभु का जो समूह है इस संसार में, वो नया वस्त्र किस बात को प्रदर्शित करता है? नया वस्त्र मुझे और आपको प्रभु ने प्रभु यीशु के द्वारा जो धार्मिकता दी है, जो हमको आवरण करता है। उसके लिए कुछ करना था क्या? कुछ नहीं, फाटक पर जाइए दे दीजिए बोलना था। जब भोजन चल रहा था तो राजा वहां आए, प्रभु वहां आए, लोगों ने उनको प्रणाम किया होगा, महाराज एक एक करके लोगों को देखते गए तो अचानक राज वस्त्र पहनकर बैठे लोगों के बीच में एक आदमी वही फटे हाथ मैले कुचड़े कुचले चिंदी के वस्त्रों में बैठा हुआ था। उस प्रभु ने उससे पूछा, मेरे दोस्त, भोजन के लिए जो राज वस्त्र दिया जाता है वो कहाँ है? प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी बोलती बंद हो गई। क्यों बोलती क्यों बंद हो गई? कह सकता था कि जल्दबाजी में मैं पहन नहीं पाया, वो झूठ होता, क्योंकि वहां जल्दबाजी की क्या जरूरत है? आप जैसे ही फाटक पर आए तो 50 दास खड़े हुए हैं जो आपका कपड़ा उतार के आपको पहनने के लिए तैयार है। आधे मिनट की बात है, एक मिनट में खाना ही निकला जाता है और वहां तो खाना बहुत लंबा चलता।
नहीं पाता एक और दो मिनट की देर से कुछ नहीं होता था। वो ये भी नहीं कह सकता था कि भैया मुझे मालूम नहीं था। क्यों मालूम नहीं था? कि आप महल के दरवाजे पर आते हैं, 50 दास खड़े हुए हैं कपड़े लेके आपको पहनाने के लिए, देर हो गई ये नहीं कह सकता था। मालूम नहीं था ये नहीं कह सकता था क्योंकि दास कपड़े लेके खड़े हैं। ये भी नहीं कह सकता था कि वो पैसा मांग रहे थे इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हर व्यक्ति जानता है कि कपड़े जो है आने वाले मुफ्त में दिए जाते हैं। कोई जवाब नहीं देता था। ये किसको प्रदर्शित करता है? ये उन लोगों को प्रदर्शित करता है जिनको बार बार प्रभु के पास आने के लिए निमंत्रण दिया गया है, जिनके अगल बगल में सब लोगों ने उस निमंत्रण को सुनकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और विश्वास से प्रभु की धार्मिकता का आवरण उन्होंने पहन लिया है। उनके बीच में ही चल रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, उनके बगल में बैठे रहते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, अपन भी बगल में बैठते हैं, वो गाना गाते हैं, अपन भी गाते हैं, लेकिन उनको जो नया जीवन दिया गया है और जो आपको भी दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते कि नए वस्त्रों से आप ग्रहण करें, हम तो उसी फटे कुचले मैले जिंदगी का खुश हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मनुष्य जो बोएगा वो काएगा काटेगा। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, और इसलिए सदा सर्वदा के लिए आप उस तरह से अपने उन वस्त्रों में नहीं रह सकते। आपने यदि ये चुना है कि आप प्रभु के परिवार के संतान नहीं होना चाहते, तो आपने ये भी चुन लिया है कि सदा सर्वदा के लिए मृत्यु का दंड पाए। ये है जो प्रभु ने उस महापंडित को समझाया था। इसमें बहुत और भी बहुत सारी बातें इस अध्याय में दी हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि आज जब आप घर जाने के लिए उठना के इस अध्याय को एक बार और पढ़ें, जिससे कि बाकी जो बातें हैं उसका विस्तार आपको समझ में आए। लेकिन आज जो मैंने बात बताई, ये पिछले दो हफ्तों में जो बात बताई उससे संबंधित है। पहली बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, मनुष्य लेन करके पापी बन गया। दूसरी बात मैंने जो दूसरे संदेश में बताया था वो ये कि पाप की सजा है मृत्यु, पहले उसकी आत्मिक मृत्यु थी और उसकी शारीरिक मृत्यु थी, लेकिन प्रभु दयालु मनुष्य ने तो अपनी नग्नता को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों का रिपोर्ट बदल दिया था, जो इधर चलो तो फट जाए, उधर चलो तो फट जाए। प्रभु ने मनुष्य को चमड़े का वस्त्र पहनाया जो कि काफी स्थायी होता है। मनुष्य को प्रॉमिस किया कि मैं मुक्तिदाता को भेजूंगा, जो जिस शैतान ने तुमको भटकाया है उसका सब कुछ चल देगा। शैतान को भी बताया कि हाँ इस प्रक्रिया में तुम उसकी एड़ी को डसोगे, मतलब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने का सारा कार्य तुम्हारा होगा, लेकिन ये मनुष्य की मुक्ति के लिए मेरे द्वारा बनाया गया प्लान है। ये भी परमेश्वर ने वहां बता दिया था। 6000 पहले वो साल पहले वो घटना हुई, उसके बाद आगे के 4000 सालों में प्रभु ने 1000 बार, कम से कम 1000 बार ये बात रिपीट करके बताई कि मुक्तिदाता आने वाले हैं, मुक्तिदाता आने वाले हैं, मुक्तिदाता आने वाले हैं। उस पुराने नियम में इस बात को सुनकर जिन लोगों ने भी उस आने वाले मुक्तिदाता की ओर देखा, उन्होंने मुक्ति पाई, उन्होंने नए जीवन पाया। 4000 सालों के बाद आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु संसार में पधारे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके संसार में जन्म लिया। 3.5 साल उन्होंने सेवा कार्य किया। जब उन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई, 500 लोगों को उन्होंने ये बातें बताई, 12 शिष्यों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया, 10,000 लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। उसमें से जिस व्यक्ति को डिटेल में बताया था मुखामुख, उसमें से एक है निकोदेमुस, वो महापंडित। उससे जो बातें प्रभु ने बोली, आज मैं फिर से एक बार और दोहरा के बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने उसको बताया उसका सारांश ये है। अदन की वाटिका में मनुष्य ने मृत्यु को अपने गले डाल दिया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उसके अनुसार उस मृत्यु को
अपने ऊपर सूली पर उठाने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, और बहुत जल्दी मैं जब उस सूली पर चला जाऊंगा तो सारे मनुष्यों का पाप मैं अपने ऊपर उठा लूंगा। उसके बाद मैं मनुष्यों के समान ही मृत्यु का वरण करूंगा, लेकिन तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाऊंगा, जिससे कि ये बात प्रमाणित हो जाएगी मैं कौन हूँ, और जिससे वो जो नया शरीर मुझे मिला है वो तुमको भी मिल सके। इसी से संबंधित और बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई थी, जिसमें से एक बात ये थी कि स्वामी ने सबको बुलाया, सबको दिया, उसके बीच में भी एक आदमी ऐसा निकला जो होते हुए भी उसने ग्रहण नहीं किया था। आज शाम को ये सारी बातें समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, उस लंगन का फल प्रभु ने सूली पर निकाला। जो भी व्यक्ति प्रभु की ओर देख कर विश्वास करता है, प्रभु मैं पापी हूँ, सूली पर आपने मेरे लिए अपने पाप दिए, वो मुक्ति पाता है, नए जीवन पाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सब सुनने समझने के बाद भी उस नए जीवन को ग्रहण नहीं करता, वो उस व्यक्ति के समान है जो बाकी में तो आ गया, लेकिन जो आवरण दिया गया था उसने उसके उसको इनकार कर दिया। क्या फायदा होगा? मालिक ने कहा ले जाओ, उसको डाक और दे रहे। आज शाम को मैं विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सभी लोग बार बार इस संदेश को सुन चुके हैं, इसके बावजूद यदि आपने आज तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही कर लें। लेकिन जिन लोगों ने कर लिया है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरी आपकी कोई योग्यता नहीं थी, ये प्रभु का प्रेम है जिसके कारण प्रभु ने हमको ये नया जीवन दिया है। इस कारण आइए आज हम इस सभा से उठकर जाने से पहले एक बार और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, जिससे कि उस नए आवरण के साथ हर जगह जा जाकर हम प्रभु के इस शुभ संदेश को सबको सुना सके। इतना ही नहीं, उस नए आवरण को पहनने के बाद हमारे जीवन में जो नई बातें दिखनी चाहिए, प्रभु करे कि वो नई बातें हमारे जीवन में दिखने लगे। प्रभु आप सबकी मदद करें इन बातों को समझने के लिए, प्रभु आपकी मदद करें। जय मसीह।